सो बात कर रहे थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु उनकी लीला में सहायता के लिए राण देश में प्रकट हुए। अब हम आज थोड़ा सा 10-15 मिनट चर्चा करते हैं कि नित्यानंद का तत्व क्या है। नित्यानंद तत्व ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनके दो विस्तार हैं। विस्तार का मतलब है वो एक्सपेंड करते हैं दो में, दो प्रकार से। एक को कहते हैं प्रभाव प्रकाश, दूसरे को कहते हैं वैभव प्रकाश, श्री कृष्ण के दोनों ये विस्तार स्वयं भगवान के, प्रभाव प्रकाश में श्री कृष्ण का रंग रूप भाव सब एक जैसा होता है, जितने कृष्ण हो सब एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे रूप होगा, एक जैसे भाव भी होगा, इसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश। और वैभव प्रकाश उसको कहते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने समान ही अपने से एक और स्वरूप प्रकट करते हैं, लेकिन उनका रंग कृष्ण जैसा नहीं होगा, उनका रूप कृष्ण जैसा नहीं होगा, उनका भाव कृष्ण जैसा नहीं होगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव प्रकाश है उसका उदाहरण है रासलीला। रासलीला में जितने कृष्ण प्रकट हुए और गोपी के साथ एक कृष्ण, सभी श्याम सुंदर हैं, सभी का रंग सांवला है, सभी का भाव माधुर्य है और सभी स्वामी के भाव में हैं, बाकी सब सेवक के भाव में हैं। यही जब वैभव प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो उनका रंग सांवला नहीं होता है, गोरा होता है। वो घनश्याम नहीं होते हैं, बरसात के बादल जैसे नहीं होते हैं, वो शरद ऋतु के बादल जैसे, सफेद दूध की फेन जैसे होते हैं। रूप भी अलग है, रंग भी अलग है और भाव भी अलग है। भाव क्या है? कृष्ण की सेवा करनी है, सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है। दोनों भगवान चैतन्य चरित में तो लिखा है कि सर्व अवतार ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण तार द्वितीय देह श्री बलराम, उसी का दूसरा शरीर है बलराम, एकमात्र एक आत्मा दोनों है, एक दो दो मात्र काया, शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है। इसका मतलब है कृष्ण ही है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक प्रश्न चल रहा था चेतन चैतन्यमृत के आदि लीला के चौथे अध्याय का, ये संभवतः 6-7 श्लोक है, कोई 10-15 से पहले है, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। एक सन्यासी कुंभ मेला इलाहाबाद में प्रभुपाद जी के संग गए थे, कह रहे थे कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है और चेतन चरित में से ये कह रहे थे श्लोक। तो वहां जमुना माता जी कह रही थी नहीं अंतर है, पर नहीं देखो ये शास्त्र में लिखा है अंतर नहीं है। जमुना माता जी ने कहा ये अंतर है। क्या अंतर है? कृष्ण राधा के संग रास कर सकता है, बलराम नहीं कर सकते।
बात तो सच्ची है। तमाल कृष्ण और स्वामी महाराज वहां खड़े थे, दोनों के बीच में ये चर्चा चल रही थी। तो प्रभुपाद जी के पास आके कहा, प्रभुपाद जी ये भक्तों के बीच में विचार चल रहा है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सही है, चैतन्य चैतन्य में लिखा है एक आत्मा दुई काया धरी, श्री कृष्ण लीला रसाए। नहीं, यमुना माता जी कहते हैं अंतर है। बोला क्या कहती है? बोला कहती है नहीं, कृष्ण ही केवल राधा के संग रास कर सकता है, बलराम नहीं। इसका प्रभुपाद ने कहा यह भी सही है। तो तुम्हारा कृष्ण का दोनों सही कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा आप भी सही हो, आप भी सही हो। इसका अर्थ यह है कि जिसको जितनी भगवान बुद्धि देता है उतना ही समझ पाता है। मेरे ख्याल में ये प्रसंग कुछ दिन पहले जहां दक्ष के यज्ञ में सब प्रार्थना कर रहे थे अपनी बुद्धि से, वहां ये प्रसंग शायद हमने कहा था, अब या मेरे को याद आ रहा है। सो बलराम जी सेवक भगवान है और श्री कृष्ण सेव्य भगवान है। वो भगवान जिसकी सेवा की जाए वो है श्री कृष्ण, वो भगवान जो सेवा करे श्री कृष्ण की वो है बलराम। इसलिए जब गुरु को कहते हैं कि गुरु भी हमारा साक्षात हरि के समान है, किस बात में? सेवा करने में। सेवक भगवान है गुरु, तो दो भगवान हो गए, सेव्य भगवान सेवक भगवान, दोनों एक हैं, एक ही अपनी दूसरा सेवा। इसका उदाहरण कोई अगर कहे कि कहां से ऐसा पता लगेगा, गोवर्धन पूजा कराते समय गोवर्धन के ऊपर श्री कृष्ण बैठा और नीचे खड़े होके स्वयं अपनी पूजा करा रहा था, तो वही कृष्ण था, ऊपर भी कृष्ण नीचे भी कृष्ण, गोवर्धन के ऊपर स्वयं बैठा है और नीचे खड़े होके पूजा उसकी करा रहा है। तो भगवान अपनी पूजा स्वयं करा रहे, तो बलराम जी कैसे कृष्ण की सेवा करता है? देखो, हम सबका जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, सब जीवों का जो भाव है वो या तो शांत रस है या दास्य रस है या सखा रस है या वात्सल्य है या मधुर्य, परंतु बलराम जी नित्यानंद राम पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, पांचों रसों में, कोई और नहीं करता ऐसा, उदाहरण नहीं है। इसके ना संकुलित रस, संकुलित रस, सब रसों का समूह है श्री बलराम। शांत रस में पूरा ब्रज धाम बन जाते हैं और ब्रज धाम कमल के समान है, और गोवर्धन उस कमल की कर्णिका है, सेंटर है, और चारों ओर से वो कमल 84 कोष में बिखरा हुआ है। कमल का धर्म क्या है? सूरज निकले तो विकसित हो जाए, रात हो तो संकुचित हो जाए। तो बलराम जी क्या करते हैं, धाम बनकर दिन में जब असुर आते हैं कंस के भेजे हुए, तो इतना बड़ा वृंदावन को बढ़ा देते हैं सूर्य के उगने से, जैसे कमल बढ़ जाता है, असुर दौड़ दौड़ के जब तक कृष्ण तक पहुंचते हैं तब तक थक हार जाते हैं, कृष्ण हाथ लगाते हैं उससे पहले मर जाते हैं। ये बलराम जी विशेष ब्रज को जब चाहें तो बढ़ा दें और दिन में बढ़ा देते हैं, क्योंकि कमल का ये धर्म है। रात को इतना संकुचित कर देते हैं कि राधा कृष्ण को मिलने के लिए बरसाना से राधा रानी को बंसी बट में आने के लिए एक कदम बढ़ाए तो उधर पहुंच जाए, क्योंकि कमल बिल्कुल सुकड़ गया, बंद हो गया, तो कोई दूरी खत्म हो गई,
तो ये विशेष सेवा शांत रस में असुर संहार में भी सहायक है और माधुर्य रस में मिलने में भी सहायक है। भगवान श्री कृष्ण जिस आसन पे बैठते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, जो आभूषण धारण करते हैं, जो लाकुटी लेकर गैया चराते हैं, जो छतर ऊपर अपने धारण करते हैं, ये सब बलराम जी का विस्तार है। आसन वसन भूषण पादुका छाता, ये सब बलराम जी का विस्तार है। और यही बलराम जी दास रस में चेत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, गैया चराने जाते हैं तो, और सखा रस में साथ में बराबर खेलते हैं, और वात्सल्य रस में तो रक्षा के लिए सदा ही माता यशोदा कहती है आपको रक्षा करनी है, और छोटा भाई समझ के उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माधुर्य रस में बलराम जी राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी का विस्तार करते हैं, और इस अनंग मंजरी के विस्तार से माधुर्य रस में राधा कृष्ण के मिलन और सेवा में सहयोग करते हैं, पांचों रसों में सेवा करते हैं। वही बलराम जी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं, ये सेवा तो साथ में करनी है। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो एक चरण वृंदावन से बाहर नहीं जाता, एक पग वृंदावन से बाहर नहीं जाता। तो कौन जाता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज से बाहर नहीं जाते। उनका प्रभाव प्रकाश जाएगा, स्वयं भगवान वही रहेगा। आज सुबह बात कर रहे थे कि इतने गोपियों के साथ सब कृष्ण एक जैसे हैं, तो उनमें से स्वयं कौन से है और प्रभाव प्रकाश कौन से है? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, जो राधा के संग में नृत्य कर रहा है वो स्वयं भगवान है, अन्य गोपियों के साथ है वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश जो है वो जाएगा, तब बलराम जी स्वयं भी ब्रज से बाहर नहीं जाते, पांच रसों में तो केवल ब्रज में ही सेवा करते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका चले जाएं, तो बलराम जी मूल संकर्षण के रूप में उनके साथ जाते हैं, सेवा में सहायक हैं और मूल शंकर के रूप में जाते हैं। और वैकुंठ में, यहां ये समझ लीजिए कि भौतिक जगत में भगवान के अवतार काल में जितनी सेवाएं हैं वो सब श्री कृष्ण की हो या रामचंद्र की हो या चैतन्य महाप्रभु की हो, वो नित्यानंद बलराम करते हैं। केवल यहां नहीं, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जितने अनंत कोटि वैकुंठ हैं, वहां जो सारा धाम है वो महाशंकरषण है, मूल संकर्षण यहां है। तो ब्रज में क्या नाम है? ब्रज नाम है रोहिणी नंदन बलराम। रोहिणी नंदन बलराम रहते हैं ब्रज में, मूल संकर्षण जाते हैं द्वारका में और मथुरा में, और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में महासंकर्षण। और ये महासंकर्षण यहां से आगे पांच रूपों में श्री कृष्ण की लीला के सहायक हैं। संकर्षण कारण दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु और शेष। तीन तो सृष्टि के कार्य के लिए, महाविष्णु कारण दक्षाई गर्भो दक्षाई, और ये तीनों कौन है? बलराम, ये नित्यानंद है।
तो इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है कौन है? नित्यानंद है, वही तो चैत्य गुरु है, वही वैभव प्रकाश है, उसका ही विस्तार है, अंश और कला है। ये खीरो दक्षा ही तो हमारे हृदय में बैठे है परमात्मा के रूप में, और सारे जीवों का स्रोत भी वो है, आधार भी वो ही है। कौन? ये महाविष्णु संकर्षण। इतना ही नहीं, ये धरती को धारण करने के लिए शेष का रूप धारण करते हैं, और यहां से आगे जीवों का उद्धार करने के लिए भाग्यशाली भक्तों के अंदर शक्ति का आवेश करके अपने कृष्ण प्रेम के प्रतिबिंब और आध्यात्मिक शक्ति से संचार करके गुरु के रूप में हमारा कान पकड़ के कृष्ण भक्ति में लगाते। ये भी बलराम, ये भी नित्यानंद राम है। और आज सुबह ये बात कर रहे थे मंदिर की कथा में, पुनः इसका आवर्ती करते हैं कि बलराम जी लक्ष्मण के रूप में जब आए तब भी बहुत क्रोधित थे। यहां तक रामचंद्र को वनवास की बात सुन के कहा, मैं पिताजी को राज से हटा के रामचंद्र को बिठा दूंगा, सुरपंखा के नाक कान काट दिए। भरत की सेना को आके देखा तो धनुष उठा के मारने के लिए तैयार हो गया। बलराम जी के रूप में कृष्ण के संग आए तब भी हस्तनापुर के ऊपर कुपित होकर हल से सारी हस्तनापुर को जमुना में डुबाने के लिए तैयार हो गए। परंतु वही बलराम, वही लक्ष्मण जब संकर्षण, वो जब जब श्री नित्यानंद के भाव में और रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के संग में, तब न क्रोध है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद। ये तो भजन है बहुत सुंदर, अक्रोध, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, अक्रोध परमानंद, हर समय परम आनंद में रहते हैं, नित्यानंद राम। ग्रही ग्रही जाए, घर घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं अपने दांतों के बीच में घास का तिनका डाल के हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई हरी बोलो, गोरंगा बोलो, जे जन गोरंगा बोले से हमारा प्राण रे, जो गोरंगा बोलेगा वो मेरा प्राण है, मैं आपका दास हूं। और भूमि पे लेट जाए, सोरण सोनार पर्वत, रंग कैसा है? गोरंगा है, सोने जैसा रंग है, सफेद, धरती के ऊपर लौट जाता है, हाथ जोड़ के सबको कहता है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम। कितना दयालु है उनके एक भाव का, और उस भाव का हमारे जीवन में, हमारे प्रचार में, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर चेतन और नित्यानंद प्रभु की कितनी करुणा कृपा, और उनके भाव को कैसा उन्होंने सार्थक किया, कैसा उस भाव को हमारे पूर्वज आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने कैसे उस भाव को अनुभव किया, प्रसंग तो सब जानते हैं जगाई और मधाई का। आज सुबह की क्लास में बात ये चल रही थी कि दोनों में से नित्यानंद को मारा किसने? बोला मधाई ने। और बचाने के लिए प्रार्थ कौन कौन कर रहा था? बोला जगाई। तो इसका मतलब जिसका नाम जगाई है वो थोड़ा बहुत जगा हुआ है अभी तक, और मधाई है तो वो तो पूर्ण मूर्ख है। नित्यानंद का भाव क्या था? हरिदास के साथ गए थे, हरिदास ठाकुर भाग के दूर चले गए, नित्यानंद को मारा, कब नित्यानंद भाव क्या नित्यानंद का था? नित्यानंद तिनका तिनका क्या आंख ऊपर करते तो वो दोनों तो भस्म हो जाते। वो भस्म क्या होता? नदिया के पूरा ही
ब्रह्मांड ये प्रलय कौन करता है, ये तो शेष जो 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 नित्यानंद का अंश है वो शेष प्रलय के समय अपने फनों से इतनी आग उगलता है कि सारे समुद्र खोलने लगते हैं, उबलने लगते हैं, और वो नित्यानंद मन में भाव क्या है कि ऐसे पति लोग जगाई मधाई जैसे अपने आप चेतन महाप्रभु के शरण में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब क्या किया जाए कि चेतन महाप्रभु आके इनका उद्धार करें, उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि मुझे कष्ट हुआ तो महाप्रभु उसको सहन कर नहीं पाएंगे, दौड़ते हुए यहां आएंगे और उनके आने से इनका उद्धार हो जाएगा। बस इस भाव को लेकर नित्यानंद राम प्रचार करते हुए मधाई से, जब मधाई ने मद्रा का कुल्लर उनके माथे पे मारा और लहू क्या निकलेगा, उनका शरीर तो सच्चिदानंद है लेकिन एक लीला में घाव हुआ, लहू निकला और समाचार महाप्रभु के पास पहुंचा, सुदर्शन चक्र लेके दौड़ के आए। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि वो चैतन्य महाप्रभु जिनकी शिक्षा में कहते हैं तृणाद अपि सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णु न, सहनशील होना चाहिए, निमर होना चाहिए, वो सुदर्शन चक्र लेके क्यों आ गए, क्रोधित क्यों हो गए? तो उसके उत्तर में लिखा है अपने ऊपर कष्ट आए या अपमान हो तो क्रोधित नहीं करो ना, भगवान और भक्त के ऊपर कोई आरोप लगाए तो वज्र के समान कठोर और आग से ज्यादा भड़कने वाला हो जाना चाहिए, अपने लिए नहीं, लेकिन भक्त और भगवान और भक्ति के विरोधियों के प्रति। और जब चेतन महाप्रभु सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे तब नित्यानंद प्रभु उनका चरण पकड़ के कह दे, आपका ये अवतार अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए नहीं है, करुणा अवतार, और ये जगाई ये मुझसे मुझको इससे बचा रहा था, महाप्रभु ने कहा आपको बचाने के लिए कर रहा था, जगाई को शरण में लिया, मधाई चरणों में गिर पड़ा, दया करो महाप्रभु। और नित्यानंद बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला इनका उद्धार कैसे होगा, आप दुनिया को पता लगेगा कि कितना करुणा मय अवतार है चेतन महाप्रभु, चेतन महाप्रभु की महिमा को विश्व विख्यात करने के लिए नित्यानंद ने जगाई मधाई के उद्धार के लिए ये भाव प्रकट किया कि महाप्रभु यहां आएंगे तब इनका उद्धार होगा। यही भाव अद्वैत आचार्य का था। नादिया में पंडित बहुत हैं, घर घर में वेद पढ़ा जा रहा है, परंतु एक के हृदय में भी प्रेम भक्ति नहीं है, केवल स्वयं श्री कृष्ण ही इनका उद्धार कर सकता है और किसी अवतार से ये नहीं होगा। इसी भाव को आज सुबह हम अनुभव करके कह रहे थे कि पाश्चात्य देशों के, अफ्रीका और रशिया के और अमेरिका और यूरोप के हिप्पी वृंदावन के में आकर या नवद्वीप में जाकर हरे कृष्णा नहीं जपते, और वो भी नहीं सकता था, तब इनके उद्धार करने के लिए नित्यानंद के भाव को और करुणा को अंगीकार करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने तो कहा कि विश्व के कोने कोने में अगर महाप्रभु ने कहा है तो नवद्वीप में एक दिन पूरे विश्व के लोग अफ्रीका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के अपने अपने देश का ध्वज लेके हरि नाम करेंगे, और वो सत्य हो गया। श्रील प्रभुपाद के जन्म शताब्दी में वो सत्य हो गया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद इसी भाव को कि विश्व का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए कह के गए हैं कि पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए विमोय नाम प्रचार,
ये सत्य कैसे हो। अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जी को आदेश दिया पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, नित्यानंद का भाव ले जाकर। वो नहीं यहां आएंगे, आप वहां जाइए और हम श्री प्रभुपाद जी के जीवन को देखते हैं कि जगाई माधाई से भी गिरे हुए लोगों के संग रहे, उन्हीं को भोजन बना के खिलाया और उन्हीं का उद्धार करके पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना आंदोलन का इतना बड़ा स्थापना कर ली। नित्यानंद की करुणा है और हमको इससे प्रेरणा ये लेनी है कि जब तक हम इस प्रकार से पतितों के उद्धार के लिए प्रेरित होके नित्यानंद को आधार बनाकर प्रचार नहीं करेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु कृपा करके कृष्ण प्रेम का प्रसाद हमारे हृदय में प्रकट नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना भी नित्यानंद के जगाई माधाई के उद्धार करने वाले भाव को है और गौरवाणी का प्रचार हुआ, उन हिप्पियों के उद्धार करने से पूरे विश्व को आश्चर्य हो गया कि सरकार के नशा मुक्ति के केंद्र निष्फल हो गए, समाज सुधारक हार गए, लेकिन ये वृद्ध वैष्णव सफल हो गए जगाई माधाइयों के उद्धार करने में। और वो आज ब्रज में और नवदीप में इतने ज्यादा अधिक दिखते हैं कि वहां के लोग मायापुर में तो कहते हैं साहेब लोगों का मंदिर और ब्रज में कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर। इसका चमत्कार समझना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रचार का ये चमत्कार है। ये चमत्कार इतना बड़ा प्रभावशाली हुआ कि भारत के नव युवकों के अंदर प्रेरणा जागी कि अरे हमारा अपना गौरव ये भक्ति और वैष्णव धर्म जिसको हम छोड़ के पाश्चात्य देश के पीछे भाग रहे हैं और पाश्चात्य देश के धनी पिता के पुत्र ब्रज के अंदर ब्रज की धूली में लौट रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु के संग जगन्नाथपुरी जा रहे थे, संन्यास लेके जा रहे थे, संन्यास ले लिया चेतन महाप्रभु ने, जगन्नाथपुरी जाने लगे। मुख्य प्रचार का कार्य तो पूरा कर दिया, अब तो रस केली जो प्रेम रस की रस निर्यास कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम भाव का रसास्वादन करने के लिए राधा भाव में जा रहे थे। नित्यानंद की क्या सेवा। अब हम थोड़ी देर पहले VIHC में ये बता रहे थे कि चेतन महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के समय गरुड़ स्तंभ के पास क्यों खड़े होते थे। पहला कारण यह था कि भगवान के भक्त के पास में खड़े हो गए तो भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। गरुड़ तो भगवान का भक्त है, भगवान की नजर अपने भक्त के ऊपर तो रहती है, जो उसके पास खड़ा होगा उसको तो भगवान देखेगा ही। जैसे हमने अपने सारे मंदिरों में प्रायः वृंदावन को छोड़ के श्री प्रभुपाद जी को बिल्कुल सब मुख्य जो सिंहासन है भगवान का उसके सामने विराजमान किया है, जो प्रभुपाद के पास खड़ा होगा उसके ऊपर नजर पहले पड़ेगी कृष्ण बलराम की, राजा श्याम की, या राजा रास बिहारी की, या पार्थ सारथी की, क्योंकि भक्त के ऊपर तो भगवान की दृष्टि सदा रहती है। ये तो था सामान्य भक्तों को सिखाने का भाव, परंतु राधा भाव में वहां खड़े होने का क्या मतलब। आप में से कोई भी कभी जाकर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर अगर देखेंगे तो केवल जगन्नाथ का दर्शन होगा, ना सुभद्रा दिखेगी मैया और ना बलराम दिखेंगे।
एकमात्र केवल एकमात्र जगन्नाथ जी द्विभुज रूप में श्याम सुंदर दिखेंगे और राधा भाव में कृष्ण का ही केवल और श्याम सुंदर का ही दर्शन राधा का परम लक्ष्य है। और बलराम जी आदि के सामने तो संकोच हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा, तो वहां से केवल जगन्नाथ दिखता है और कोई नहीं दिखता है। गरुड़ स्तंभ से केवल जगन्नाथ दिखता है, न बलराम दिखता है न सुभद्रा दिखती है, और राधा भाव में बलराम जी निकट नहीं होना चाहिए। तो बलराम जी ने क्या सेवा की जगन्नाथपुरी में, सब जगह करनी चाहिए ना। जगन्नाथ के प्रवेश द्वार दंड भंग स्थान, जहां चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के दंड को तोड़ के नदी के दो धाराओं में बहा दिया, नित्यानंद ने क्या कर दिया, बोला अब प्रचार का काम सन्यासी का पूरा हुआ, राधा भाव में जाना है तो दंड की आवश्यकता नहीं है। तो ये भाव किसका है, ये भाव है नित्यानंद के अनंग मंजरी का भाव। अनंग मंजरी के भाव में दंड को तोड़कर राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ विराजमान काल में सहायक सेवक बने नित्यानंद राम। और वहां जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया और फिर कहा नित्यानंद को, जाओ महाशय आप जाकर बंगाल में प्रचार करो। आश्चर्य, क्योंकि राधा भाव का रसास्वादन नित्यानंद के संग में नहीं किया जा सकता। आप प्रचार करने जाओ। और एक बात और कही, अभी हम जब ये बात कर रहे थे बीआईसी में, तो बात ये आई कि इतना नहीं कहा जाके प्रचार करो, बोले जाके विवाह भी करो। नित्यानंद को विवाह करने के लिए प्रेरणा दे दी और स्वयं सन्यास ले गया, विवाह करके सन्यास छोड़ दिया। कारण क्या है, प्रशांत माता जी कह रही थी कि कुछ वर्ष वैष्णव के मुख से यह सुना है कि सन्यासी प्रायः ग्रस्तों के घर में ज्यादा रह भी नहीं सकता है, ग्रस्तों के साथ ज्यादा बोलचाल भी नहीं कर सकता है। प्रचार करना है और सबको भगवान की भक्ति में लगाना है तो ग्रस्त सब जगह सरलता से पहुंच सकता है। तो नित्यानंद को ग्रस्त में प्रवेश कराकर सूर्यदास कहते हैं, सूर्यदास पंडित की जाह्नवी और विशुद्धा दोनों पुत्रियों के साथ विवाह, और इस साल हमारी यात्रा, इस साल मतलब लास्ट ईयर हो गया, अभी कोरोना काल में हमको जाना था कलकत्ता में नित्यानंद का घर देखने, नित्यानंद वाड़ी कलकत्ता में ही है, एयरपोर्ट से थोड़ा नज़दीकी है, और वहाँ से आगे नित्यानंद प्रभु के अति अद्भुत लीला का स्थान पानीहट्टी है, जहाँ उन्होंने दंड दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को। दंड का कारण क्या था, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि दंड इस बात पे दिया कि सीधे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में क्यों चले गए हमारी आज्ञा के बिना। इसलिए दंड ये है कि सारे वैष्णव को भोजन कराओ। सीखना क्या है इससे, सीखना यह है कि बिना गुरु के शरण के कोई सीधा श्री कृष्ण की सेवा में नहीं जा सकता। तब तक हमारी सेवा श्री कृष्ण को अर्पण हो ही नहीं सकती। सो नित्यानंद बलराम, नित्यानंद राम ऐसे अद्भुत करुणामय अवतार हैं, उनका आज आविर्भाव है, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो अनर्थ हैं भक्ति के वो नष्ट हो जाएं और इस जन्म में कृष्ण प्रेम का प्रकट्य हो। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो बोलिए। और क्लास थी लेकिन ओके, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?
हाँ जी कृष्ण, हाँ जी अभी जैसे आपने कहा ना कि बिना गुरु की सेवा से के कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते और उसकी वजह से दंड मिला था रघुनाथ दास गोस्वामी जी वाला जो आप एग्जांपल दे रहे थे, तो कल का जो प्रसंग था एक्चुअली वो बात नहीं हो पा रही थी। तो कल जो हमने श्लोक सुना था आपने बताया था बाबा जी एक्सप्लेनेशन था कि सेवा जो कर रहे हैं वो यहाँ दो पॉइंट थे, एक तो था कि यहाँ पे जो सेवा हम कर रहे हैं गुरु हमें उसके लिए तैयार कर रहे हैं और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके हम कृष्ण की सेवा करें, और जो जिसमें एग्जांपल था कि आम कच्चा और पक्का जिसको रिलिश हम नहीं कर पाते। हाँ जी, तो ये समझना था कि जैसे एक तो ये स्पिरिचुअल में गुरु की क्या नेचर रहता है, और दूसरा कि अगर सेवा प्रभुपाद जी ने लिखा कि यहाँ पे हम रिलिश नहीं कर पाते वो चीज नहीं समझ आई, यहाँ हम रिलिश नहीं कर पाते। हाँ ये लिखा हुआ, हाँ यहाँ मतलब जो जो उसकी कच्चा और पक्का आम, हाँ उसका मतलब है जो उसकी सही मिठास है। एक वो एक शब्द जो लिखा था चक्रवर्ती पाद के भाव में के भक्ति की पूर्णता मधुरता और रसास्वादन केवल भक्तों के संग में होता है। और ऐसे जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा गया था कि गुरु जो चला गया है यहां से शरीर नहीं रहा, क्या अभी वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर सकता है? तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हां बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु जैसे श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कोई ऐसा क्षण नहीं है जब मैं अपने गुरु से अलग हुआ हूं, सदाई गुरु मेरे संग है। तो जैसे गुरु जाने के बाद यहां शिष्य का हाँ देखभाल कर सकता है, वैसे शिष्य अगर पहले भगवत धाम चला जाए गुरु यहां हो तो वहां भी गुरु के अपने स्वरूप में वहां भी उनको सेवा में लगा सकता है। जैसे हम ये कहें कि कृष्ण की लीला में जो रूप मंजरी थी वो चैतन्य महाप्रभु में रूपा गोस्वामी बनकर यहां आए, तो जब यहां रूपा गोस्वामी थे तो रूप मंजरी वहां नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। तो रूप मंजरी वही भी अपनी सेवा कर रही थी और यहां रूपा गोस्वामी के रूप में रह रहे थे, ये तो विशेष बात है। यही तो मायावाद का खंडन है कि इतने सारे विस्तार के बाद भी भगवान अपने धाम में अपने परिकरों के साथ रहते हैं। और जब भगवान रहते हैं, जब सौबरी जैसा ऋषि अपने एक से पचास को बना सकता है वो योग के अभ्यास से, कर्दम योग अभ्यास से एक से नौ हो सकता है, तो भगवान के शुद्ध भक्त को यहां भी और गोलोक में रहने में कौन सी आपत्ति है? क्यों नहीं रह सकता? जाने के बाद यहां कृपा कर सकता है और यहां रहते हुए वहां सहायता कर सकता है। कैसे करेगा कोई पूछे तो परंपरा के द्वारा करेगा, उनके गुरुवर वहां है और स्वयं भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कृष्ण जब यहां आए तो कोई गोलोक खाली नहीं हो गया, वहां भी लीला चल रही थी। और रिलिश हम नहीं कर सकते का मतलब यह है कि जो स्थिति आध्यात्मिक जगत में रसास्वादन की है वो है शुद्ध स्थिति। भौतिक जगत के अंदर शुद्धता अपने आप में पूर्ण हो नहीं सकती है।
कुछ ना कुछ शरीर है, ये शरीर है तो उसके साथ समस्याएं रहती हैं, तो उसकी जो मतलब उसकी जो रियल स्वीटनेस है उसका यहां थोड़ा सा चस्का मिल सकता है, थोड़ा सा उसका ग्लिम्प्स मिल सकता है, लेकिन उसकी पूर्णता वहां होती है, उसकी पूर्णता यहां नहीं हो सकती। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि करोड़ों जबाने हो हरे कृष्णा जपने के लिए और खरब कान हो, इसका मतलब इतने मिल नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में यह सब हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। हम प्रयास कितना भी करें उस स्तर का आनंद का अनुभूति कर नहीं सकते। जो यहां भाव के स्तर पे जाते हैं उनको अनुभूति होती है, और प्रेम पे उस अनुभूति का प्रेम प्रेम पूर्णता नहीं है। प्रेम के बाद 8 और स्तर हैं, प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव मादन नाखा मदन, और ये सब यहां नहीं है, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। प्रेम के ऊपर के जो स्तर हैं जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने माधुर्य कदम्बनी में उसका नाम है क्या है जिसमें इन सब रसों का और ऊपर के स्तर प्रेम का वर्णन किया है, उज्जवल नीलमणि में, तो वो जो रस है प्रेम के ऊपर का उसकी अनुभूति केवल आध्यात्मिक जगत में अथवा जहां भगवान के पार्षदों का सानिध्य प्राप्त होगा वहीं हो सकती है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? ये ठीक है, संतुष्टि है इसमें? हरे कृष्ण। ओके, नित्यानंद राम की जय आप सबका। कल पुनः मिलेंगे। हरे कृष्ण। गौरंगा नित्यानंद की।